तो हमारा आज का फर्स्ट सेशन है VBA का, ठीक है। VBA में हम देखेंगे कि सबसे पहले काम कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी डेवलपर टैब, ठीक है। अब डेवलपर टैब के लिए अगर आपके पास नहीं आ रही हो तो आप फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ डेवलपर अनचेक होगा अगर नहीं आ रही है तो, चेक करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। ये डेवलपर टैब VBA में हेल्प करता है। यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो है विजुअल बेसिक है, ठीक है जी। विजुअल बेसिक हो VBA होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो जैसे ये एक्सेल की एप्लीकेशन है, ठीक है, इसी तरह से VBA की एप्लीकेशन अलग होती है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लिखा हुआ इस तरह से आएगा, ठीक है। एक्सेल की पीछे, VBA की अलग है, ठीक है जी। अब इसमें आपकी एक है ये प्रोजेक्ट विंडो, जिसमें आपको शीट, एक तो आपको पहले वर्कबुक दिखेगी, फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट में आपको जितनी शीट्स हैं वो दिखेंगी इसमें, और दिस वर्कबुक करके एक और ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ इसमें है प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये अल्फ़ाबेटिक कैटेगराइज्ड है और ये कैटेगराइज्ड है, तो अल्फ़ाबेटिक में ए बी सी डी करके आता है आपका। तो आप जिसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे शीट वन वर्कशीट, तो शीट वन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। शीट टू की, शीट थ्री की, दिस वर्कबुक की, इस तरह से इसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इनका यूज आगे जाके होगा, कैसे होगा वो मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। अगर ये वैसे नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप व्यू में जाके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी विंडो को ले सकते हो, ठीक है। एक हम मेरे पास इसमें एक एक्स्ट्रा है इमीडिएट विंडो, ये भी आपको व्यू में मिल जाएगी, ठीक है। इसका काम धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। इमीडिएट विंडो में कोई भी आप कोड डाल के ऑन द स्पॉट चला के देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर कोई कोड लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और इसमें आप देख रहे हैं यूज़र फॉर्म मॉड्यूल क्लास मॉड्यूल। तो मोस्टली हम मॉड्यूल या यूज़र फॉर्म यूज़ करते हैं, क्लास मॉड्यूल की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मॉड्यूल हम इंसर्ट करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे तो अपने को एक ये वाइट स्क्रीन दिखाई देगी। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो ये आपको बुक वन मॉड्यूल कोड के नाम, मॉड्यूल वन कोड के नाम से आ जाएगा, प्रॉपर्टी में वही चीज़ आ जाएगी और यहाँ पे एक मॉड्यूल्स की एक एंट्री हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, मॉड्यूल वन, ठीक है। तो अगर आपको इसका नाम मॉड्यूल वन का यहाँ से चेंज करना हो कुछ, तो आप नेम चेंज करेंगे यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो में, ठीक है। तो इसको मैं कर दूँ कोडिंग, कुछ भी कर सकता हूँ, ये वैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो भी कोडिंग करते हैं हम इसी पे ही करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपको एक सैम्पल कोड चला के दिखाऊं मैं, तो वो मैं सब लिखता हूँ, सब ए बी सी। अब ये सब क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा, फिलहाल मैं एक कोड चला के दिखाता हूँ। मैसेज बॉक्स हेलो, ठीक है। यहाँ पे ये रन सब यूज़र फॉर्म है, ठीक है। तो रन करूँगा तो ये कोड रन हो जाएगा, मैंने दिया था कि हेलो मैसेज बॉक्स आ जाए, ठीक है। तो ये आपका कोड कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब कोडिंग को करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने सब लिखा था, हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ पे है आपके पास ये, और नहीं तो रन में जाके आप यहाँ पे भी F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं शॉर्टकट है F5, ठीक है जी। अब इसमें प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास कहाँ कहाँ आप कोडिंग कर सकते हैं, एक तो हो गया आपके पास मॉड्यूल विंडो, यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। शीट वन है, यहाँ पे कोडिंग
डबल क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुल जाएगी, बुक वन शीट वन है ना, तो यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दिस वर्कबुक का सेक्शन है, इसमें भी कर सकते हैं कोडिंग। ठीक है, तो ये इनकी मॉड्यूल वाइज कोडिंग है। दूसरा होता है इसमें यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर इंसर्ट में यहाँ से यूजर फॉर्म। तो यूजर फॉर्म होता है एक तरह से आपका ये डायलॉग बॉक्स वगैरह बनाना, जैसे हम लोग लिख देते हैं ना, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये कोई बटन दे दिया। ठीक है, अब इसकी कोडिंग कहाँ होती है, आप देखोगे फॉर्म के नाम से आ गया, यूजर फॉर्म वन इसका नाम आ गया। इसकी कोडिंग जो होती है वो, जैसे अगर मुझे इस बटन पे कोई कमांड लगानी है तो मुझे इसे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो तब ये एक इसमें विंडो खुलेगी जिसमें इसकी कोडिंग होगी, बुक वन यूजर फॉर्म वन कोड। ये आपके पास सब प्राइवेट सब इस तरह से लिखा हो जाएगा, कमांड बटन वन करके यहाँ पे भी कोडिंग होती है। ठीक है, और आपका यूजर फॉर्म ये आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे कोडिंग होती है इनकी, तो इसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे, फिलहाल हम अब कोडिंग कितने तरह की होती है उसको देखते हैं। दो टाइप की चीज़ें होती हैं इसमें, एक फंक्शन होता है, एक मैक्रोज होते हैं। ठीक है, जिनको सब प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, सब प्रोसीजर मैक्रोज क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं इस पे, यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख दिया, ठीक है, फिर इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो मैं मैनुअल काम करता हूँ, पिवट टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, ये जो भी काम होते हैं वो मैक्रोज के थ्रू होते हैं, जिसको हम सब करके आगे लिखते हैं। सब लिखते हैं पहले और फिर उसके बाद हम लिखेंगे उसका नाम, जैसे मैंने उसका नाम दे दिया, ए बी सी नाम दे दिया इसका। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये डबल ब्रैकेट अपने पास आ जाएंगे और एंड सब करके एक आ जाएगा। ठीक है, एंड सब, इसके बीच में हमारी कोडिंग होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मैक्रो क्या करे, अभी हमने जैसे किया था यहाँ पे D4 में नाम लिखा था और फिर उसको बोल्ड कर दिया था, अभी मैं बोल्ड हटा देता हूँ, तो मैं इस पे लिख दूँगा रेंज D4। ये रेंज वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी सैम्पल दिखा रहा हूँ। डॉट वैल्यू इक्वल टू रख दूँगा संदीप। ठीक है, तो ये उसके बाद बोल्ड किया था तो रेंज D4 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जब मैं ये मैक्रो चलाऊंगा, इस मैक्रो के लिए मेरा जो कर्सर है वो इसके अंदर होना चाहिए, सब और एंड सब के बीच में, तब रन करूंगा तो यही वाला मैक्रो चलेगा, क्योंकि हो सकता है मेरे पास कुछ और भी हो, दूसरा भी मैक्रो मैंने लिखा हो, यहाँ पे ए बी ही नाम दे दिया इसका और वैल्यू मैंने बदल दी इसकी प्रदीप कर दी। ठीक है, और इसको मैंने C4 में एंट्री करा दी। ठीक है, तो अब मेरे पास दो मैक्रो हैं, तो जिसके अंदर मैं क्लिक करके ये रन करूँगा तो वही मैक्रो चलेगा। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं, तो अगर मैंने ये किया तो ये D4 वाली एंट्री, और यहाँ किया तो ये C4। ठीक है, तो ये कोड कुछ ऐसे चलते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सब प्रोसीजर या मैक्रोज जिनको कहते हैं। दूसरे होते हैं फंक्शन। फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे हम ये सम वगैरह ये सब फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, जो लिस्ट में आ जाते हैं इक्वल टू के बाद, इसी तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप कितने भी सब प्रोसीजर या कितने भी आप फंक्शन लिख सकते हो। फंक्शन लिखने के लिए हमें फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और HL नाम दे दिया मैंने इसे, नाम ऐसे ही देंगे एंड फंक्शन के बीच में, ये भी वैसा ही है। फर्क क्या है कि यहाँ पे सब आ जाता है उसमें, मैक्रो में, फंक्शन में फंक्शन आ जाता है,
इनके बीच में ही कोडिंग होगी। ठीक है, ये तो देखो कि आपका कोड चलते ही काम करा देता है, पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो मुझे क्या करना होता है, HL करके लास्ट में वो वैल्यू देनी पड़ती है। हेलो आई एम अ फंक्शन, ठीक है, तो मुझे उसके नाम के साथ इक्वल टू लगा के वैसी वैल्यू देनी पड़ेगी जो मैं चाहता हूँ फंक्शन रिटर्न करे। अगर टेक्स्ट की वैल्यू है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। ये इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता है, इसका मतलब इसको यहाँ पे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू उठा के इसको दे देता है, ठीक है, HL को। तो अब मैं जब टाइप करूँगा HL, आप देखेंगे कि यहाँ पे HL आ चुका है, ठीक है। तो जब मैं ये ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो वही स्ट्रिंग इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्रो, ये हो गया फंक्शन। मेजरली हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, इनको हम एक दूसरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ए बी वाले में कर दिया कि ये प्रदीप ना ले, HL ले ले, HL जो कि एक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको ए बी को चलाऊंगा तो HL से ये वैल्यू लेके आएगा और उसमें डाल देगा, ठीक है। तो मैं इसको ए बी को चलाता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे वही वैल्यू चेंज होगा। तो फंक्शन से मैं एक मैक्रो के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, एक मैक्रो मैं दूसरे मैक्रो के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ उसका नाम देकर। जैसे मैंने HL करके लिया था, ठीक है, तो HL के पास कोई वैल्यू थी तो इसीलिए इसको देना पड़ा मुझे। यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने C4 को दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ABC के अंदर बाद में लिख दूंगा कि पहले जब वो ABC अपना काम कर ले उसके बाद AB दे दिया खाली। तो उसका मतलब है ये AB भी चलेगा, ये काम करने के बाद एक एक लाइन करके चलता है, ये पहले फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, फिर ये, फिर ये, ये। अगर आपको देखना हो कि ये कैसे वर्क करता है तो हम F8 दबा सकते हैं। F8 से जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे येलो लाइन आ गई। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। आप इसको जाके यहाँ डिबग में जाके स्टेप इनटू करते हैं तो इसमें क्या होता है, अभी क्या आ रहा था, एक बार में पूरी की पूरी आपका फंक्शन या मैक्रो चल जा रहा था, अब लाइन बाय लाइन चलेगा जैसे जैसे F8 करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, ABC F8, अब ये रेंज पे आ गया अपने आप। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई D4 में संदीप लिखा आ गया, ठीक है, D4 में संदीप लिखा आ गया। पर ये यहाँ पे क्यों कूद गया, HL, ठीक है, D4 में कहीं HL लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो ये AB में गया, AB के अंदर गया, HL को पकड़ा, वहाँ से वैल्यू ली और यहाँ पे पुट कर दी। ये F8 मेरे से जल्दी से दब जा रहा है, इस कारण से कई बार वैसा दिख रहा है। बोल्ड किया और एंड, और ये भी एंड हो गया, ठीक है जी। तो ये करने के बाद AB में गया, AB से यहाँ से कोड से HL आया, HL से उठाया, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे एंड किया और फिर यहाँ पे वापस AB पे आके एंड हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चलता है अगर आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को देखें। तो ये तो बात रही कि कोडिंग चलती कैसे है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ये समझते हैं कि कोडिंग का तरीका क्या होता है, क्योंकि जिसने प्रोग्रामिंग पहले की है उसके लिए इसके कॉन्सेप्ट पहले से पता होते हैं, पर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों से, कुछ नाम से आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये फंक्शन है, ये सब प्रोसीजर है, ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर बता दिया मैंने, पर ये सब क्या हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इन सब को समझते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड फाइल दिखाता हूँ,
ठीक है, जिसके अंदर इसका नाम है PLT, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक, कि प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक लगाते हैं, तो वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज और कल हम दो सेशन इसी पे ही निकालेंगे ताकि हम कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंस है, ये साइंस हमारे कुछ समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है स्टार्ट, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये आपका ओवल यूज़ होता है। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस के लिए आपका इस तरह से साइन यूज़ होता है। प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस आपका हो गया, देखिए कंप्यूटर का मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट मतलब हम कुछ चीज़ देते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, तो हम इनसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देते हैं, फिर इसका प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है या जो मर्जी करना है, तो वो प्रोसेस कैलकुलेशंस प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इनपुट के लिए साइन आपका ये है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो। डिसीजन, डिसीजन में वो होता है जैसे आपका एक इफ़ का फॉर्मूला हो गया, इफ़ ये नहीं तो ये, ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन है, इसका डिसीजन बॉक्स की दो रो निकलती हैं, दो तरफ फ्लो निकलता है इसका, एक यस में निकलेगा एक नो में निकलेगा, क्योंकि ये यस नो वाले ही सवाल पूछ सकता है। ठीक है, एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछ सकता। उसके बाद आउटपुट के लिए ये साइन है। ठीक है, ये ऑन पेज कनेक्टर है और ऑफ पेज कनेक्टर है, इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या होता है, प्रोग्राम को बेसिकली जोड़ने के लिए यूज होते हैं, और ये आपके कनेक्टर हैं, इनको फ्लो लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में इन सब साइंस का बहुत यूज है। ये कौन सा हो गया आपका डिसीजन बॉक्स, ये हो गया आपका प्रोसेस, इनपुट स्टार्ट स्टॉप का ये है, ये आउटपुट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन करना है, तो आपको एक मैप बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है कि उसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो स्टार्ट के लिए साइन यूज़ किया, गोज टू ICCP सेंट्रल, तो बंदा सेंटर में जाता है, तो उसको इन्होंने प्रोसेस के अंदर डिफाइन किया, फिल्स द इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म भरता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनपुट कर रहा है, तो ये है। अपीयर फॉर अ टेस्ट, ये भी एक प्रोसेस है, गेट काउंसलिंग प्रोसेस है, फिल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इनपुट है, पे द फी प्रोसेस, आउटपुट में जॉइंस द कोर्स एंड गेट स्टूडेंट किट। ठीक है, स्टॉप। तो किसी भी प्रोग्राम का फ्लो जो है वो इसी तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा। अब जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें, दो नंबर हमें ऐड करने हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट, गेट द फर्स्ट नंबर, इनपुट ले रहे हैं, गेट द सेकंड नंबर, इनपुट ले रहे हैं, ऐड टू नंबर, प्रोसेस हो गया, डिस्प्ले द रिजल्ट, आउटपुट हो गया, स्टॉप। तो इस तरह से इनको मार्क किया जाता है, पेन पेपर पे अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, डिस्प्ले द सम ऑफ फाइव नंबर्स, स्टार्ट एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, पांच नंबर, इसने इनपुट ले लिए, पांचों को ऐड किया, प्रोसेस, आउटपुट में सम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये VBA पे बना के दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम VBA पे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और मॉड्यूल ले लेता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं, ये फाइल भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो हम ऐड दो नंबर को ऐड करेंगे, इधर मैं इसके लिए एक मैक्रो लूँगा, सब प्रोसीजर बनाऊँगा। ठीक है,
ऐड टू नंबर को मैं कर दूंगा ऐड नम करके प्रोसीजर बना रहा हूँ सॉरी। अब इसके अंदर अब देखिए सब और एंड सब क्या है, यहाँ ये स्टार्ट और स्टॉप का काम कर रहा है, ठीक है, जैसा कि यहाँ स्टार्ट और स्टॉप है। एक सेकंड, तो स्टार्ट स्टॉप का काम हमारा सब और एंड सब कर रहे हैं। अब बीच में हमें क्या चाहिए, गेट द फर्स्ट नंबर। अब गेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यूजर से कैसे लें, हमारे पास इसमें एक चीज़ है इनपुट बॉक्स, ठीक है, तो हम प्रोग्राम्स के लिए मोस्टली वही यूज़ करेंगे। और एक चीज़, एक रूल है, जब भी हम कोडिंग करते हैं ना तो इसमें कोडिंग पढ़ने लायक रहे तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टैब का यूज़ करते हैं, एक टैब आगे करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्टेप अंदर करेंगे तो एक टैब आगे कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं करूँगा गेट द फर्स्ट नंबर है तो मेरे पास है इनपुट बॉक्स, इसमें प्रॉम्प्ट में ये ब्रैकेट फंक्शन की तरह ही होता है ये एक तरह से, एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपको दिखा रहा है कि जैसे हमें अभी कुछ पैरामीटर्स दिखाए थे कि प्रॉम्प्ट कैसे हमने किया था, ये जो है प्रॉम्प्ट टाइटल डिफॉल्ट एक्सपोजिशन वाई पोजिशन, तो ये सब एक फंक्शन की तरह ही आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, आपको ऐसे ही डालने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है तो हम इंटर फर्स्ट नंबर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यह हमें इनपुट बॉक्स में दिखाई देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को किसी को दे देता हूँ जो कैरी करके रखे, क्योंकि यहाँ देखिए एक्सेल में अपने पास सेल होती है, हम रख सकते हैं। अब ये नंबर किसी के पास, हम बताएंगे कैसे कि क्या क्या जोड़ना है, इनपुट बॉक्स तो खाली वैल्यू लेना जानता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एफ नम करके फर्स्ट नंबर कर दूँगा, इक्वल कर दूँगा, मतलब एफ नम जो है हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, फिलहाल के लिए अभी हम इसको देख लेते हैं। एफ नम करके ले लिया मैंने, अब इनपुट बॉक्स ने जो वैल्यू ली यूजर से वो एफ नम के अंदर चली जाएगी, इसके बाद उसने सेकेंड वैल्यू ली है जिसको मैं एस नम के अंदर डाल दूंगा, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इन दोनों के पास आ गई एफ नम और एस नम में, ठीक है। अब जो रिजल्ट मैंने डिस्प्ले कराना है तो मैं रिजल्ट करके एक बना ले रहा हूँ वेरिएबल, और रिजल्ट को मैं करूँगा इक्वल टू एफ नम प्लस एस नम, ठीक है। तो ये है हमारा ऐड टू नंबर्स वाला जो प्रोसेस वाला है, वो होगा ये पार्ट, ठीक है। तो पहले इन दोनों ने आपस में सम किया, फिर ये वैल्यू उठ के रिजल्ट पे चली गई। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले द रिजल्ट, तो रिजल्ट मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ मैसेज बॉक्स से, तो एमएसजी बॉक्स करके हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, इनपुट बॉक्स के आगे ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ मैं विदाउट ब्रैकेट भी दे सकता हूँ, फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फ़र्क है कि जब जो वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट किसी को वैल्यू दे सकता है तो वो ब्रैकेट से होगा, जैसे इनपुट बॉक्स किसी को वैल्यू देगा तो वहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, और जो वैल्यू नहीं देगा फंक्शन वो हमारा विदाउट ब्रैकेट यूज़ हो सकता है, ब्रैकेट में भी यूज़ हो सकता है ये, पर विदाउट ब्रैकेट भी हो सकता है, बस स्पेस से हम
स्पेसिफाई कर देंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, इनपुट बॉक्स एक फंक्शन है, मैसेज बॉक्स एक मैक्रो है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो ये है। हाँ क्या चीज़, अभी अभी यहीं पे ही है, अभी हमने यहीं कर दिया है ऐसे ही, आगे बताऊंगा मैं इसका तरीका। तो अब मैं जब इसको चला के देखता हूँ, F8 से करता हूँ एक एक करके, F num इनपुट बॉक्स से लेगा, ये आ गया इनपुट बॉक्स, कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया 10, ओके, S num, F8 करूँगा, सेकंड नंबर 20, ये वही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कर्सर ले जाओगे F num S num पे, तो इनके अंदर क्या क्या है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। अभी रिजल्ट क्या है, एम्प्टी है, पर जैसे ही मैंने किया तो रिजल्ट में क्या आ गया, 10-20 आया है। हालांकि इसको 30 आना चाहिए था। तो इसमें आ क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ये इसको टेक्स्ट समझ रहा है, इसको नहीं मालूम कि ये एक नंबर है जिसको जोड़ना है। कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, ये देखो। तो इनपुट बॉक्स ने क्या किया है, इसको टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न की है। अब ये आंसर जो मुझे दिखाएगा वो 1020 दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। F8 करूँगा, रिजल्ट इसने ये दिखाया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो वैल्यू है वो टेक्स्ट में है, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इंट का एक फंक्शन होता है, इंटीजर पता है ना क्या होता है, नंबर वैल्यू उसको कहते हैं। तो एक फंक्शन है इसके अंदर जो टेक्स्ट को इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, वो है सी इंट, सी आई एन टी, मतलब कन्वर्ट टू इंटीजर। इसके इसको मैं अगर इसके अंदर डाल देता हूँ कि एफ नम पहले सी इंट के अंदर जाए और एस नम भी पहले सी इंट के अंदर जाए, ठीक है, ठीक है, ये अपने आप ब्लू हो जाते हैं। जो भी सिस्टम के प्रोसीजर फंक्शंस होंगे वो अपने आप ब्लू हो जाएंगे। अब मैं चल जाता हूँ इसको F8 करके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में। अब यहाँ से निकलेगा तो आप देखेंगे रिजल्ट में 40 दे दिया, ठीक है ना, ये। हाँ जी, हाँ वो हाँ वो इंटीजर ही लेगा, बाकी मैं अभी वेरिएबल पे आगे बताऊंगा। ये सिर्फ ये लगा लीजिए कि ये सैंपल है, कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि होता क्या है ना, हाँ, कि एक प्रोग्रामिंग प्रोसीजर हमें पता लग जाए कि कैसे होता है। बाकी इन सब चीज़ों पे डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमने पहला वाला ये बना लिया, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी बना सकते हो, सम ऑफ 5 नंबर का, बना के दिखा देता हूँ कि 5 नंबर का सम कैसे बनेगा। ऐड 5 नम, ठीक है। अब ये इनपुट बॉक्स से मैं ले लूँगा और वही सी इंट के अंदर मुझे डालने पड़ेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और इसी में ही ये मैं आगे प्लस प्लस कर देता हूँ, इन्होंने सम ही किया है ना, हाँ सम ही किया है।
इज थर्ड फोर्थ सेंट फिफ्थ। ठीक है, अब इसको मैं F5 से चला के देख लेता हूँ, डायरेक्ट ही चलेगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ठीक है 195। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। चलो इस क्लास के बाद मैं इससे पूछ लूंगा, ठीक है मैम। हाँ जी, तो ये आपने देखा कैसे हम वो करते हैं, ऐड करते हैं। इसके बाद हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू एंड ए स्पेसिफाइड नंबर। ठीक है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है दो से कोई नंबर जो यूजर देगा। सब फ्रॉड, ठीक है, तो इसमें हम करेंगे यूजर ने दिया मुझे नंबर, ठीक है, उसको रिजल्ट को ये मैंने मल्टीप्लाई करना है सी इंट एफ नम। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई साइन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट नंबर लिख के कर सकते हैं, दो से ही मल्टीप्लाई करना है, दो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और मैसेज बॉक्स रिजल्ट, ठीक है, तो ये हो गया। F5 करके दें, कोई भी नंबर जो देंगे वो दो से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखा दे, ठीक है। तो ये सिंपल मैक्रोज कैसे बनेंगे, ये है उनकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ें होती हैं। ये जो मैंने दो एंटर किया है इसको कहते हैं कांस्टेंट, और ये जो एफ नम यूज़ कर रहा हूँ ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे बताएं कि अगर मेरे पास ये एज है तो ये क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल मतलब जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सको, ये एक स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एज वेरिएबल हो गया। हाँ, मतलब जो भी टाइटल होगा ना, हेडर होगा, वो अपना वेरिएबल मान लेंगे उसे। एड्रेस वेरिएबल, 21 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 10th किंग में कैंप, ये एड्रेस का ही है तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, सिंगल वैल्यू। हेनरी ये भी कांस्टेंट है। नेम ये वेरिएबल है, ठीक है। 185 कांस्टेंट, ठीक है, सेम चीज़, ठीक है। तो टाइटल्स को भी बेसिकली वेरिएबल करते हैं। यहाँ पे इनका क्या यूज है कि आप वैल्यू इनके अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर एक्सेल की बात करें तो ये सेल जो है वो A2 ही रहेगी, चाहे इसके अंदर कांस्टेंट कोई भी हो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब होता है सिंगल वैल्यू। अब इसके अंदर मैं चाहे इसको डिलीट करके कुछ और रख दूं, तो ये कॉन्सेप्ट है सेम। यहाँ पे तो आप एंट्री कर सकते हो, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो ये इसके लिए होता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल आपके अभी फ़िलहाल मैं दो टाइप्स की आपको जानकारी दे रहा हूँ, कैरेक्टर और न्यूमेरिक, ठीक है। कैरेक्टर वो जिनसे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जैसे कि नाम हो गया,
है, एड्रेस हो गया, इस तरह का न्यूमेरिक वो हो गया जिनसे कैलकुलेशन करनी है, जैसे प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, मल्टीप्लाई करना है, एज है कहीं कम ज़्यादा नापना है, तो वो भी हमारा न्यूमेरिक में आ जाएगा। तो इसमें एक तरीका होता है इनको रिप्रेजेंट करने का। देखो सबसे पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो कैरेक्टर में हो गया हमारा सी आइटम। अभी कर क्या रहे हैं, ये स्टोर में गए हैं, एक जैसे कुछ सामान खरीदा और वहाँ सॉफ्टवेयर में जैसे डालते हैं, तो उनके लिए मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें क्या है कि वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्राइस डालें, क्वांटिटी डालें और टोटल अमाउंट जितना उसने पे करना है वो निकल के आ जाए, कैलकुलेट होके आ जाए, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन दी। तो इसने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोसेस के अंदर कैरेक्टर सी आइटम नेम। सी क्यों लगाया है, ताकि हमें पता चल सके कि ये कैरेक्टर का टाइप है। ये न्यूमेरिक में एन प्राइस, एन इसलिए लगाया कि ये न्यूमेरिक का टाइप है, एन क्वांटिटी एन वैल्यू, ठीक है। तो एक्सेप्ट सी आइटम नेम, पहले इन्होंने आइटम नेम किया, फिर प्राइस किया, फिर क्वांटिटी किया, एन वैल्यू में इन्होंने एन प्राइस और एन क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा दिया और डिस्प्ले करा दिया सी आइटम नेम और वैल्यू, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, कैलकुलेट वैल्यू के नाम से बना देता हूँ। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये भी एक तरह के वेरिएबल ही हैं, पर इनका टाइप नहीं पता है हमें। ये तो हमने फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया जो चाहिए था इंटीजर। तो इसमें करते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने करना पड़ेगा डिम। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। तो जैसे सी आइटम नेम है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, वो कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। पहले हम उसका नाम देंगे, नाम क्या देंगे, सी आइटम नेम, तो स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है, तो एस उसका पहला लगा देंगे। उसके बाद इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता है और कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है, जैसे आइटम है तो आई बड़ा हो गया, नेम है तो एन बड़ा हो गया, इस तरह से जो आगे वाला होता है वो हमेशा छोटा ही होता है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, आप चाहें तो अलग तरह से भी लिख सकते हैं, एबीसी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, पर जब आप किसी कंपनी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अगर इससे चलेंगे तो और प्रोग्रामर को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो कई कई प्रोग्रामर एक एक प्रोग्राम पर काम करते हैं, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम में कहीं कोई फंसे ना, तो इसके लिए ये नेमिंग कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का, ठीक है। तो एस आइटम नेम डाला मैंने एज स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये डिक्लेयर हो गया जैसे इन्होंने कैरेक्टर सी आइटम नेम कर दिया था। अब यहाँ पे न्यूमेरिक में एन प्राइस एन क्वांटिटी एन वैल्यू, तो मैं फिर से लिखूँगा डिम। यहाँ पे इस वैल्यू को हम कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू जो होती हैं वो ज़ीरो नहीं लेती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एन प्राइस इंटीजर, तो आई प्राइस, ठीक है, एज इंटीजर डिम एन आई क्वांटिटी एज इंटीजर डिम आई वैल्यू एज इंटीजर। पर इंटीजर की कुछ लिमिट होती हैं, ठीक है, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कई लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम आई प्राइस आई क्वांटिटी और आई वैल्यू एज इंटीजर। डिक्लेयर तो इससे भी हो जाएगा, पर फ़र्क क्या हुआ,
ये आई वैल्यू जिसके आगे एज इंटीजर लगाए वही इंटीजर बना खाली, ये वेरिएंट बन गए। ठीक है, वेरिएंट क्या होता है कि ज़्यादा साइज लेता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन का अगर एक ही बार में डिक्लेयर करनी है तो सही तरीका ये है कि ऐसे किया जाए। ठीक है, एज इंटीजर फिर कॉमा फिर एज इंटीजर, डायमेंशन एक बार लग गया फिर कॉमा कॉमा करके आपको उसका टाइप बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा आप चाहते हैं ये कमेंट में डालना है मुझे, ताकि कोटेशन मार्क मतलब कोई कमेंट डालनी है वो एग्जीक्यूट ना हो तो आप उसके आगे कोटेशन मार्क लगा देंगे, वो ग्रीन में हो जाएगा, वो हाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने अभी फ़िलहाल इंटीजर के ले लिए। ठीक है, बाकी टाइप भी बताऊंगा, क्योंकि इंटीजर तो ज़ीरो कंटेन नहीं करता है, उसके लिए हम लॉन्ग या डबल लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अब आइटम नेम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ये सब एक्सेप्ट कराना है। तो मैं पहले एस, हाँ जी हाँ, नहीं कोटे कोट को हाँ, कोटेशन मार्क जहाँ मैंने दे दिया ना, मतलब अब ये लाइन ग्रीन हो गई आपकी, अब ये प्रोग्राम में चलेगी नहीं। ये मैंने खाली जैसे कि एक जैसे ये फाइल भेजूँगा तो समझने के लिए कि आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उस तरह से दिया है खाली। एक कमेंट मान लीजिए इसे, ठीक है हाँ, बिल्कुल 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 यस। ठीक है, ठीक है, एस आइटम नेम आई प्राइस में मैंने कहा, अब देखो मैं नॉर्मल उसमें लिख रहा हूँ, वो केस उसका अलग है ऊपर। ठीक है, एंटर प्राइस, कई बार क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं हम लोग वेरिएबल का नाम डालने में, तो अगर वो वैसा नहीं हो रहा है, कैपिटल नहीं हो रहा है, अब देखो प्राइस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस की स्पेलिंग गलत है। तो ये उसी ऑर्डर में बन जाएगा जैसा वो डिक्लेयर हुआ, अगर स्पेलिंग सही होगी, तो ऐसे भी गलती पकड़ सकते हैं हम लोग। आई क्वांटिटी इनपुट बॉक्स एंटर क्वांटिटी, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ वैल्यू, आई वैल्यू इक्वल टू हो गया आपका आई प्राइस मल्टीप्लाइड आई क्वांटिटी। ठीक है, अब मैसेज बॉक्स में जैसे हम स्ट्रिंग बनाते थे ना, इस तरह से भी दे सकते हैं, यू हैव परचेज्ड और ये, ठीक है, स्पेस भी दे दूं, और इन वेरिएबल को हम जैसे फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। परचेज्ड क्या क्या था, एस आइटम नेम, आइटम नेम फिर एंड, स्पेस देना ज़रूरी है इनके बीच में, नहीं तो क्या होगा, ये पहचान नहीं पाएगा कि आपने कोई ऑपरेटर दिया, आपने ये परचेज किया डॉट फॉर अमाउंट रुपीज, स्पेस भी दे दूं, आई वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा, क्या दिक्कत है, मैसेज लिखा है एमएसजी बॉक्स नहीं लिखा बॉक्स। ठीक है, अब इसको कर दो, आइटम का नाम है पेन, प्राइस है 15 रुपये, मैंने लिए 25 पीस, यू हैव परचेज्ड पेन फॉर अमाउंट 375। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, आगे हम कल करेंगे, ठीक है। और इसी पे ही थोड़ा, हाँ जी, अच्छा, डेवलपर टैब, एक सेकंड। तो आज के लिए रिकॉर्डिंग इतनी ही रखते हैं।